भोपाल में चल रही 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में दिल्ली के निशानेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस बार 20 से ज्यादा मेडल जीते हैं। दिल्ली के पत्रकार फरीद अली ने पिस्टल शूटिंग की 3 स्पर्धाओं में 1 गोल्ड मेडल सहित कुल 3 पदक जीते हैं। दिल्ली के शौर्य सरीन, अर्पित गोयल, हर्ष गुप्ता, पार्थ मखीजा, रौनक खट्टर, आदित्य वर्मा, अग्रय कौशिक, महिमा सिंह, नाम्या कपूर, इशिका सिंह और पूजा अग्रवाल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के लिए कई मेडल जीते हैं। दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन के चेयरमैन और भारतीय शूटिंग टीम के कोच जसपाल राणा ने सभी पदक विजेताओं को बधाई देते हुए बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद जताई है। भोपाल में पहली बार नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई है। यहाँ की रेंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। फरीद ने भोपाल की शूटिंग रेंज और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रतियोगिता को बेहतर बनाने की तारीफ की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में इस बार देश भर के 7,000 से ज्यादा निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 7 दिसंबर को शुरू हुई थी, जिसका समापन 4 जनवरी को होगा। फरीद अली ने राष्ट्रीय निशानेबाजी में पिस्टल शूटिंग की 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की 5 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। 25 मीटर की तीनों टीम स्पर्धाओं में उन्होंने पदक जीते हैं। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल टीम इवेंट में फरीद अली, अर्पित गोयल और रौनक खट्टर की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम इवेंट में फरीद अली, अर्पित गोयल और प्रशांत लाकड़ा की टीम ने कांस्य पदक जीता। नमन शर्मा, पंजाब केसरी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।